मेरी जर्नी मैं अगर बताऊं इन शॉर्ट, अगर शुरू हुई है तो लॉन्ग बैक, मैं भी बाकी बच्चों की तरह, मेरे फादर मदर के ड्रीम्स रहते थे कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, या ऐसा जिस प्रोफेशन को एक आइडेंटिटी, एक नाम है. बिकॉज माई फादर वॉज अ मैनेजर इन रेमंड्स वुलन मिल्स, थाने में है जो, वहीं पे हम लोग रहते थे. मेरी मदर तो अनपढ़ थी, वो हाउसवाइफ ही थी, तो वो चूँकि अनपढ़ थी तो उनको लगता है कि कोई बंदा थोड़ा भी पढ़ ले तो वो बहुत ही अच्छा होगा, तो पढ़ाई लिखाई को बहुत प्रायोरिटी देते थे और मैं भी देता था. आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा पढ़ता था मैं. बट होता है ना, एक आपको आपका इंटरेस्ट बदलते रहता है. बचपन में ऐसे लगता है ये करना है, फिर ड्राइंग करता था मैं, तो अरे ड्राइंग करना है, फिर क्राफ्ट करना है. बट एक टाइम ऐसा आता है जब आपको एक चीज़ आपके दिमाग में अनायास चलने लगती है, मतलब वो चीज़ ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने लगती है, वो कंट्रोल करने लगती है आपको. तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गुलजार साहब का, क्योंकि किसी ना किसी को आप फॉलो करते हो, किसी न कोई ना कोई बंदा आपकी लाइफ को टच करता है, ऐसे तो आप बदलते नहीं हैं. तो उनकी जो राइटिंग थी, जैसे जब वो आई चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अब ये लाइन शायद इतनी तगड़ी थी कि जो मेरा रिबर्थ हो गया, यू नो. अच्छा, कि तो ये फूल भी वही है, टर्निंग पॉइंट था आपकी. बिल्कुल बिल्कुल, फूल वही है, फूल को चड्डी पहना सकते हैं, इतनी लिबर्टी, इतनी फ्रीडम, जो काम भगवान ने नहीं किया उसको गुलजार साहब ने किया, और उसको इतना पसंद किया गया, और मतलब उस गाने के साथ इतने दिन हम लोग जी रहे थे कि अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए, जंगल जंगल बात चली पता चला. तो अब मैं अपने स्टाइल में लिखने लगा, मतलब मुझे भी लगता था कि मैं कुछ लिखूं, तो फिर मैंने किसी को कोट पहनाया. किस उम्र में ये था? ये समझ लो कि आप वही जो सेवेंथ एट्थ की, सिक्स सेवेंथ एट्थ की बात थी. तो फिर मैंने भी मतलब पेन को टोपी पहनाया, मतलब कुछ भी, मैं भी ऐसे कुछ करता था, पर लोग हंसते थे कि क्या है ये, क्या है ऐसे. बट मुझे समझ, वो अंदर जो है ना, वो तीर जो है, जो घुसती थी उसको मैंने निकाला नहीं, उसको और अंदर जाने दिया, अंदर जाने दिया. एंड एक वाक्य मैं बताना चाहूँगा कि मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ते वक्त. मैं हिस्ट्री लेक्चर संगीता कापरी में से, मेरे को आज भी याद है, और वो पढ़ा रही थी, उनके पढ़ाने पर जब वो पढ़ा रही थी उस समय मुझे कुछ लिखने का मन हो रहा था. वो सिंसियरली पढ़ा रही, एकदम सीरियसली, और मैं उसमें कविता लिखना शुरू कर दिया. सारे बच्चे ध्यान दे के बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं अकेला नीचे बैठ के लिख रहा हूँ. उन्होंने आया, देखा मेरी डायरी थी जिसपे मैं सिर्फ गीत लिखता था, उन्होंने वो डायरी लिया, उस पर मैंने लिखा था, उन्होंने वो फाड़ा और टेबल पे रख दिया मेरे, फाड़ के, कि आज के बाद ये सब चीज़ नहीं चलेगा यहाँ. और मैं उस समय जो मुझे तकलीफ़ हुई थी, मैंने मतलब इतना आप प्यार से लिख रहे थे, और वो मैं इंस्पायर हुआ क्योंकि वो टीचर बोर्ड पे लिख रही थी, कि मतलब वो काली रात के स्याही पर, स्लेट पर, ऐसा सब कुछ मैं कुछ लिख रहा था. वो पहली लाइन शुरू किया था, उतने में बुक फाड़ दी थी. मैंने झगड़ा किया, मैं क्लास से बाहर गया, दरवाज़ा बैंग वैंग करके, एंड पूरे स्कूल में मेरा ये उस समय फेमस हुआ था कि एक राइटर पैदा हो रहा है, इसीलिए इसको मार के भगाया था, झगड़ा किया था. तो लोग थोड़ा मजाक करते हैं, लोग सोचते हैं कि कुछ ये इतना आसान नहीं है, कि पीपल आर बॉर्न राइटर, और ये, लेकिन उसका क्या है, रियलाइजेशन तब होता है जब आप कुछ कर लो. जब तक आप कुछ नहीं कर पाओ तो तब तक आपको लोग वो चीज़ के, वो नज़रिए से आपको देखते भी नहीं है. लिखते सभी होंगे, म्यूज़िक सभी बजाते होंगे, गाते सभी होंगे, बट आपको सीरियसली तब लेंगे लोग जब आप उस चीज़ के लिए सीरियस हो. तो मैंने मेरे फादर मदर को, चूँकि अब नहीं है वो, बहुत अर्ली एज में वो दोनों साथ छोड़ के चले गए, बहुत टफ सिचुएशन रहा लाइफ में. तो फिर रिलेटिव्स बोलते हैं कि अब तो तेरे को कुछ नौकरी करनी चाहिए, तेरा फ्यूचर ऐसा है, ये सब जुआ खेलने के बराबर है, इसमें कुछ होता नहीं है ऐसे वैसे. बट कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि नहीं, मैं यही करूँगा, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं, मतलब बॉडी और माइंड साथ ही नहीं देता था कुछ सोचूँ और कुछ करूँ. तो कुछ अच्छे लोग मिले, स्ट्रगल मैंने छोड़ा नहीं, मैं ना के लिए तैयार था, हाँ की खुशी मिल जाती थी. तो मैं ये सोच गया था कि ना सुनना है अपने को, कोई क्या बोलेगा, नहीं तू नहीं लिख सकता, तू नहीं, तेरा अच्छा नहीं है, या नहीं तुम्हारे साथ काम नहीं करना. ना के लिए मेंटली मैं बहुत तगड़ा प्रिपेयर था, कि कोई गाली देगा, ना बोलेगा, खराब बोलेगा, अच्छा बुरा, मैं एकदम तैयार था. तो धीरे धीरे एक अमित दिवाड़कर मेरा फ्रेंड था, वो भी एक स्ट्रगलर, मैं दूसरा स्ट्रगलर, ऐसे हम लोग 15-20 स्ट्रगलर्स. तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते थे कि नहीं नहीं अच्छा है, बढ़िया है, करते करते. बट आज मैं ये कहूँगा कि मैंने वो छोड़ा नहीं, अपना विश्वास अपने आप पर, अपने काम पर, भगवान पर.
और उसके बाद लोगों के साथ जुड़ते जुड़ते आप सीखते भी गए। मैं इम्प्रूव हुआ जब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और लोगों ने मुझे समझाया कि ये अच्छा नहीं है तो क्या अच्छा होगा, वो मैंने तब सीखा बहुत अच्छी तरह से। और आज जो है कि जिंगल्स कॉरपोरेट शंकर एहसान लॉय सर के साथ अभी कर रहे हैं, हिमेश रेशमिया भी हैं उनके साथ भी अभी मेरी कुछ सिटिंग्स हुई हैं, सो ही इज़ लाइकिंग माई स्टाइल ऑफ राइटिंग। और ऐसा नहीं, सबसे अच्छी बात ये लगती कि आप तो बहुत लोगों के साथ काम करते हो, बट लोगों को जब आपकी स्टाइल पसंद आती है और आपके स्टाइल के लिए बुलाते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा ऐसे काम करता है, इसको वैसे इसको बुलाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट जिंगल एयरसेल जब लॉन्च हो रहा था, एयरसेल मोबाइल, तो मुझे पहला कॉल शंकर एहसान लॉय के यहाँ से श्रीन ने किया, इतना एक्साइटेड हो गया कि यार इतने दिन से वेट कर रहे थे, चलते हैं। और वहाँ पर जाते ही ये था कि वो कॉरपोरेट का काम था और एजेंसी बैठी थी, क्लाइंट बैठे थे, 15 मिनट में आपको लिखना है, मतलब कॉम्पिटिशन हो गया कोई, या इतना बड़ा टेस्ट जो था। ऐसे कभी एग्जाम्स के लिए भी आपको पता होता है 4 महीना पढ़ना है, फिर एक फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, सेमेस्टर होगा, उसके लिए टाइम होता है। वहाँ पर जाते ही मुझे लिखने के लिए कहा गया कि आपको लिखना है। तो बट शंकर महादेवन जो मैं, मतलब उनको हम लेजेंड तो वो है ही हैं, और इतने, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस आपको दिए फर्स्ट मीटिंग में, ऐसे मुझे लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ काम के सिलसिले में, मुझे ऐसा लगा मैंने कितना इनके लिए लिखा है, और वो भी ऐसे ही ले रहे थे, अरे हो जाएगा, चल फटाफट, कोई टेंशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये उनका थाट है, ये 4 लाइनों में ये ऐसा कहना चाहते हैं, वीडियो ऐसी होगी। तो सारा चीज़ माइंड में रख के लिखा, उसमें एक करेक्शन आया था मेरा, एक वर्ड उन्होंने बोला था फर्स्ट लाइन में जो थी कि दरिया, एक वर्ड मैंने यूज़ किया था जो बोलते कि ये बहुत यूज्ड है, तो कुछ और अप्रोच वहाँ पे चेंज कर दो, बाकी 3 लाइन इज़ फैंटास्टिक। वो 3 लाइन जो थी, जो उनको पसंद आई, उसके बाद से फिर सुनने से भी सुना लगे लक्स का, तो जिंगल्स फिर फेयर एंड लवली हुआ कि एयरसेल के दिन। उसके बाद 2 सॉन्ग्स, एक ठुमरी हुई थी, फिर एक धोनी का ऐड हुआ था वो बस में, वो लोग तो वो हुआ था, देन ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का जो फर्स्ट जिंगल था सोने से भी सोना लगे, तो उसका लिखने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। देन लक्स के जितने भी उसके बाद आए वो भी मैंने लिखे। देन एक जो बहुत ही टफ चीज़ जो लाइफ में आई थी, जहाँ पे मैं सोचा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मतलब मैं पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे शंकर महादेवन अगेन, वेस्ट इज़ वेस्ट एक फिल्म आई थी ओमपुरी स्टारिंग उसमें था, जो ईस्ट इज़ ईस्ट की सीक्वल बनी थी, ओमपुरी जी उसमें काम कर रहे थे, उसमें हम लिखना था पंजाबी। अब भाई साहब पंजाबी तो हम जितना सुने उतना ही लिख सकते हैं, पंजाबी तो आती नहीं, तो जो हम गाने सुनते हैं कहीं किसी के पुराने, उतना नॉलेज था, कुछ एक दो दोस्त हैं जो पंजाबी में, जैसे गुलराज है, आकृति है, तो ये लोग कुछ पासी तुसी ये वो सब जो बोली भाषा वाली लैंग्वेज है उसमें हम लोग, तो मैं शंकर भाई को बोला कि मैं नहीं लिख पाऊँगा, मैं कैसे लिखूँ, और सूफी लिखने को आप बोल रहे हैं, और तो उन्होंने बोला हो जाएगा, टेंशन नहीं, उनका वो जो कॉन्फिडेंस रहता है यार हो जाएगा हो जाएगा, तो वाकई चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बैठा वहाँ पर और 3 गाने उस फिल्म में मैंने लिखे, जो कि मेरे लिए एक, मतलब ऐसा कहें कि एक फर्स्ट बहुत बड़ी फिल्म मेरे लिए थी, जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं, एंड एक सूफ़ी सेंट हैं जो गाते हैं, पाकिस्तान के अली ज़हूर शायद, मैं अगर हल्का सा नाम याद है, तो उन्होंने वो गाया है। देन उसके बाद अब चीज़ें हम करते रहे, होने लगी, फिर और भी जिंगल्स कर रहे हैं, कुछ फिल्में अब चल रही हैं, कर रहे हैं हम लोग पाइपलाइन में, मतलब अब जो जर्नी जिस पे चलना चाहते थे अब उस पे आराम से चल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ तक पहुँचते हैं वो चीज़ यही है कि शुरू से जो करना था, और जब रियलाइज़ मैंने कर लिया कि नहीं यार ये काम करना है और इसमें ही मुझे खुशी मिलेगी, और शायद मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, एक बंदा अपना वो दिखता है उसको कि ये इसी के लिए, उससे होता है वो चीज़, और वो करने के बाद मुझे ऐसा लगता है यार कि हाँ वाकई मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं वो कर रहा हूँ जिस चीज़ के लिए मैं, शायद भगवान ने इसलिए मुझे बनाया, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप जब लिखते हो तो कैसे लिखते हो, क्या लिखते हो, मुझसे क्यों वो लाइनें निकली। वर्ल्ड कप एंथम लिखने का जब टाइम आया था तो मैं हमेशा वर्ल्ड कप टीवी पे देखने में जितना एक्साइटेड रहता था, हमेशा एक्साइटेड रहता कि वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, अब उसका एंथम लिखने के लिए मुझे अगेन शंकर एहसान लॉय सर ने फिर बुलाया वहाँ पर, एजेंसी से मीटिंग हुई, अब लिखना है अब मेरा स्टाइल और वर्ल्ड कप लिखना है कैसे क्या होगा, बट वहाँ पर भी उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, जो मैं चाहता था वैसा ही मैंने लिखा, एड़े पेड़े दे घुमा के, आरे पारे दे घुमा के, गुत्थी गुत्थम अड़चन खड़चन, ऐसे सब वर्ड्स जो क्रिकेट लैंग्वेज नहीं है,
आसमान में मार के डुबकी उड़ा दे जा सूरज की झपकी टाइप्स के, ऐसे सब वर्ड्स मैंने सिलेक्ट किए एंड दे लव्ड इट। एंड जब वो वर्ल्ड कप आया तो जब प्ले हुआ गाना तो सभी को अच्छा लगा। फाइनल में मैंने कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी पढ़े थे कि युवराज सिंह ने कहा भी था कि व्हेन सचिन तेंदुलकर और सहवाग का जब विकेट गिर गया था एंड द सॉन्ग व्हेन दे घुमा के वॉज प्लेइंग इन द स्टेडियम, इतना हम लोगों के अंदर वो फायर आ रहा था कि वी हैव टू विन दिस वर्ल्ड कप एंड इंडिया वन दिस वर्ल्ड कप। तो देखिए जो मैच का एंजॉयमेंट हम लेते थे उसमें एक हल्का सा कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हो गया। तो क्या होता है कि हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने काम पर विश्वास रखते हैं, जितना हमें आता है उतने में हम अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मतलब हम इसलिए काम नहीं करते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि पता नहीं है ना लोगों को क्या अच्छा लगेगा। अगर यही पता चल जाए तो वही हर बार नहीं कर ले। ये फार्मूला नहीं है कि किसको क्या अच्छा लगेगा, किसको कब क्या अच्छा नहीं लगेगा। हम वही कर सकते हैं जो हमको अच्छा लगता है और हमको बिलीव ये हो जाता है कि नहीं यार ये मैं कर रहा हूँ तो ये उनको अच्छा लग सकता है, ये लोगों को पसंद आए या ये मुझे अच्छी फीलिंग दे रही है। तो हाँ बड़ा टफ जॉब है, क्योंकि आपकी एक लाइन 100 करोड़, 150, 200, 400 करोड़ में वो घूमेगी और उसमें से तारीफ मिलेगी ना मिलेगी, पसंद किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले कहा कि मैं ना के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा, और जब हाँ होता है तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से सब हो रहा है।